सो हाई गाइस, वेलकम टू माई चैनल एस्ट्रो ट्रैवल। तो आज आप देखने वाले हो शर्मा ट्रैवल्स की वॉल्वो 9600 बस जर्नी, इनॉग्रल बस जर्नी फ्रॉम बेंगलुरु टू मुंबई। तो मैं यहाँ कलासपल्ली में हूँ, शर्मा ट्रैवल्स का पिकअप पॉइंट। ये सीतल ट्रैवल्स गोइंग टू मुंबई एज वेल, बेंगलुरु टू मुंबई। पीछे आनंद बस और आगे है पिकअप पॉइंट। इफ यू कैन सी, जस्ट निकल रही है शर्मा बस, नेशनल ट्रैवल्स भी है। ये है बस, तो एक्चुअली ये अचानक प्लान हो गया शर्मा ट्रैवल से जाने का। मुझे पता तो चल गया आज इनॉग्रल बस जर्नी था, बट आई थॉट ऑफ गोइंग समवेयर एल्स, बट काफ़ी लोगों ने फिर रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जर्नी करो, सो दैट इज़ वाई लास्ट मोमेंट पे मैंने ये वाला बस बुक कर लिया। सो नाउ टू गिव यू डिटेल्स अबाउट द बस, तो शर्मा वॉल्वो 9600 15 मीटर्स स्लीपर बस है। ये बस यहाँ कलासपल्ली से निकलेगी 2:30 PM हेड ऑफिस से, एंड नेक्स्ट डे मुंबई पहुँचेगी अप्रॉक्सीमेटली 8:30 AM बोरिवली। तो ये बस का मुझे फेयर पड़ा 1300, तो मैंने लास्ट मोमेंट पर बुक किया था, तो 1300 था। जब मैंने पहले इनिशियली चेक किया था कुछ 1600 था, सो इवन देन जो है प्राइसिंग जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है कंपेयर टू द न्यू वॉल्वो अदर बसेस जो भी वॉल्वो के हैं। सो वो हिसाब से आई थिंक इट विल अट्रैक्ट पैसेंजर्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी काफ़ी बुकिंग्स मिल गए इनको। तो जर्नी शुरू होती है बेंगलुरु से, फिर टूवर्ड्स दावनगिरी सिटी फॉर पिकअप्स, फिर बाकी सब बाईपास रहेंगे जैसे हुबली, बेलगवी, कोल्हापुर, सातारा, फिर पुणे में थोड़ा बहुत लगेज निकलेगा, एंड फाइनली मुंबई। मुंबई में लास्ट स्टॉप बोरिवली। मोरोवर ये बस जो है वो बैक टू बैक जर्नीज करेगी, एज इन बेंगलुरु से आज निकल रही है, लास्ट पॉइंट जो है मुंबई में दैट वुड बी बोरिवली, इट वुड रीच बाय 8:30 या 9 AM, फिर वापस बोरिवली से निकलेगी बाय 12:30 PM और अगले दिन पहुंचेगी बेंगलुरु बाय 8:30 AM ओसो। सो लाइक सिर्फ 2-3 घंटे का ब्रेक है बीच में, एंड देन अगेन ट्रिप पे चलेगी। तो आई थिंक पिकअप के लिए तो यहाँ पे ही रुकेगी, और फिर ऑपोजिट साइड जो है ये है शर्मा का वेटिंग एरिया हेड ऑफिस। सो आई विल शो यू फ्रॉम इनसाइड एज वेल। ये वेटिंग एरिया, वॉशरूम फैसिलिटी जेंट्स एंड लेडीज का, एंड सेकेंड वेटिंग एरिया, यहाँ पे आप डायरेक्टली आके बुकिंग भी कर सकते हैं बस का। तो सब जगह बसेस ही है, SRS, नेशनल। So you can see the library. मुझे जस्ट इन्फॉर्म किया गया था कि बस थोड़ा आज डिले होगा, बिकॉज कोई डॉक्यूमेंटेशन का वेट कर रहे हैं, और फिर पूजा वीजा भी होगा, सो फर्स्ट डे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिले होता ही है। तो अब
अभी इंटीरियर दिखा देता। ये जो स्पेशल एयर सस्पेंशन वाला या जो भी है स्टॉप एग्जॉस्ट सीट, मेरा सीट बर्थ 35 सिंगल बर्थ, और यहाँ पीछे फायर एक्सटिंग्विशर एंड सनरूफ कम इमरजेंसी एग्जिट दो है, एक पीछे और एक आगे। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट डोर भी है, इफ़ यू मूव दिस इमरजेंसी एग्जिट का डोर यू कैन गो। दिस इज द फर्स्ट सनरूफ। रियर कैमरा भी है चालू, पीछे नेशनल ट्रेवल्स का बस। सो 3:08 PM, अभी 5 मिनट में निकलेगी गाड़ी यहाँ से टूवर्ड्स मेजेस्टिक। सामने पूरा फायर क्रैकर्स की लड़ी लगाने वाले अभी। स्केल नहीं कर पाई जैसे लाइक BRL, SRS एंड अदर ऑपरेटर्स, बट इट स्टार्टेड इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट। जो भी पहला वॉल्वो बस रहता है वो हमेशा नॉर्मली शर्मा के पास ही रहता है, बट वो अलग बात है कि जो रनिंग रहता है इट मे नॉट बी द फर्स्ट रनिंग बस, बट नॉर्मली इट इज़ द फर्स्ट बॉट वन फ्रॉम वॉल्वो। तो ये भी जो बस थी इट वॉज द फर्स्ट वन बिफोर स्वामी अयप्पा, लेकिन आई थिंक सम इशूज़ की वजह से वो डिले हो गया था। शर्मा ट्रेवल्स के जो ओनर थे आई वॉज टोल्ड कि वो ओरिजिनली फ्रॉम पाली राजस्थान एरिया से, बट उनका जो है मेन इधर बैंगलोर से ही है पूरा हेड ऑफिस, जो भी ऑपरेशंस जो भी रनिंग है वो मेन बैंगलोर से ही है। 60+ ईयर्स ओल्ड कंपनी शर्मा ट्रेवल्स। सो ये बस जर्नी टाइम रहेगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19 आवर्स। पहले दिन तो काफ़ी डिले रहेगा इनॉग्रल ट्रिप है इसकी वजह से, फिर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स। मेजेस्टिक के पास पहुंच के मेट्रो, कितने बजे 3:32 PM। पब्लिक चेकिंग ऑन द बस। अभी जा रहे अंदर, पहुंच के आनंदरा सर्कल, कितने 3:38 PM। मैजेस्टिक हमारी KSRTC। अमजद भाई तो मस्त फोन बजा बजा के चला रहे। वाह, कैबिन में मस्त मजाएगा।
So 5:15 PM, loo break के लिए just after toll. शीतल अभी just pass कर रही है. ಜಾವಿ ಟೈಲರ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ
just on the left. तो 8:35 PM दावणगिरी पिकअप, बस ऑलमोस्ट फुल है लगता है, काफ़ी पैसेंजर्स आ गए यहाँ पे। तो एक्चुअली वो जो आवाज़ आ रहा था वो कुछ दरवाज़ा खुला है इसका आ रहा था, कुछ जो सेंसर है, बट एक्चुअली बंद ही था। आई डोंट नो क्या इशू है ये वॉल्वो का। PM होटल रॉयल टीडी, डिनर ब्रेक बंकापुर टोल के बाद। वो वॉल्वो सेलेस्ट मिला ही नहीं, आई मीन हम लोग ने वो टोल में तो ओवरटेक कर लिया था, उसके बाद ओवरटेक किया ही नहीं बस ने। आई डोंट नो वो ट्रक के पीछे अटका हुआ था। KSRTC कोरोना भी आ गई, सेफ्टी रीजंस के लिए बस लॉक्ड, खोल दिया। तो मेरा खाना तो बस के क्रू के साथ ही हो गया। आई थिंक यहाँ पे खाना थोड़ा अबिट ऑन द प्राइसियर साइड है। मुझे जो अच्छा लगा वो तो पेपर चिकन अच्छा था, टेस्टी था, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ट्राई। अभी यहाँ से मंजुनाथ अन्ना चलाएंगे। रेशमा जस्ट के ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಮಗ ಹುಡುಮಗ ನಾನು
ಮೊದಲ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಮೊದಲ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ तो 2:37 AM फ्यूल ब्रेक। तो कोगनोली टोल के यहाँ से यू टर्न मार के ये वाले पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल। तो बेलगवी स्लोप जो आता है उसका प्रॉपर यूज़ किया है। हम लोग 80 to 100 की स्पीड के बीच में जा रहे थे तो वह स्पीड थोड़ा अच्छा खासा मेंटेन कर पाए हम लोग बिकॉज ऑफ द स्लोप।
लग जा सामने खड़ा ना था आ गा को पुटा नोड़ा पुटा चला भाई YouTube पे डाल दे क्योंकि अमजद भाई एक्स जब्बा ट्रैवल्स के ड्राइवर भी है तो उनको सिर्फ चेक करना था कि ड्राइवर कौन है। हावेवर मेरा गोप्रो देख के ड्राइवर को ऐसा लगा कि मैं स्पीड गन कैरी कर लूँ, इसलिए उन्होंने बस ही पूरा स्लो कर दी। A.M. इधर निशी सागर में ब्रेकफास्ट ब्रेक MR ट्रेवल्स। चलो रेडी टू लीव 9:04 AM। अभी मंजुनाथ अन्ना चलेंगे शायद। राइट मगा ಸಮಯ ಯಾಕೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ
ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ आपको भेजा देखो थोड़ा इमेजेस भेजा AM. काफ़ी लेट हो गया इनॉग्रल ट्रिप का एज़ यूजल, बट 80 लॉक पे है तो कवर रिकवर करने का भी कोई चांस ही नहीं है। तो अभी वो क्रू को बेचारे को जैसे ही बोरेवली पहुँचेंगे वापस निकलना पड़ेगा फॉर पिकअप, क्योंकि 12 बजे या 12:30 बजे बस निकलेगी फ्रॉम गोकुल होटल टूवर्ड्स बेंगलुरु। सो फाइनली शर्मा ट्रेवल्स की इनॉग्रल वॉल्वो 9600 बस जर्नी हो गई। आई होप यू एन्जॉय द बस जर्नी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट बस ट्रिप में। टेक केयर।